हेलो बच्चों, लेट्स सी डॉट क्वेश्चंस। क्वेश्चन सीज अ 25 वाट एंड 100 वाट बल्ब आर ज्वाइंट इन सीरीज एंड कनेक्टेड टू द मेंस, व्हिच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है कि एक 25 वाट का बल्ब एंड एक 100 वाट का बल्ब इस तरीके से सीरीज में जोड़ा जा रहा है थ्रू आउट द मेन सप्लाई। तो मेन सप्लाई से जोड़ रहे हैं, सो मेन सप्लाई बेसिकली कितने वोल्ट का होता है? 220 वोल्ट। सो हमें बताना है कि विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट विल से दैट द ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू करंट। जो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब होगी वो करंट का डायरेक्शन प्रपोर्शनल होगा, यानी कि जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा ब्राइटनेस। उसी तरीके से सेकंड कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे द फॉर्मूला ऑफ पावर। सो पावर दिस कैन बी गिवन बाय वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, जहाँ पर वी वोल्टेज, आर रेजिस्टेंस, और पी पावर को इंडिकेट कर रहा है। सो बेसिकली करंट को ज़्यादा करने के लिए रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? कम, बिकॉज वी नो फ्रॉम द ओहम्स लॉ वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है। यदि पोटेंशियल को हम सेम रख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर, सो सिंपली हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। सो रेजिस्टेंस जिसकी कम से कम होगी उसका करंट क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा। सो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को पॉइंट करेंगे और उसके द्वारा ये जस्टिफाई करेंगे कि किसके लिए करंट कम है, सो वो ज्यादा ब्राइटर होगा। सो चलिए फिर देखते हैं सोल्यूशन से। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि 25 वाट के लिए जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, 100 वाट के लिए रेजिस्टेंस R2 है। सो R1 दिस मस्ट बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय P1 होगा। सो सप्लाई वोल्टेज सभी को पता है 220 वोल्ट होता है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय वाटेज कितना है 25 वाट। सो इट विल कम्स अराउंड 1936 ओहम्स अप्रॉक्सीमेटली। उसी तरीके से हम सेकंड लैम्प के लिए, ठीक है, सेकंड बल्ब के लिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सो इट विल गोस टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2। सो R2 दिस विल बी गोस टू 220 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। इट विल कम्स अराउंड 484 ओहम्स। सो बाय जस्ट कंपेयरिंग द रेजिस्टेंस वी कैन सी दैट कि R1 इज ग्रेटर देन टू R2, एंड एज वी नो द करंट हैज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। Therefore, I2 will become greater than to I1. ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने ये तो लिखा कि ब्राइटनेस जो है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी करंट, ठीक है, बट यहाँ पर चूंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में करंट तो सेम ही होता है। तो यहाँ पर I1 I2 ये ग्रेटर इनकरेक्ट हो जाएंगे, यानी कि I1 इज इक्वल्स टू I2 हो जाएगा। देन हाउ डिड वी कम्स टू नो कि कौन सा ज्यादा ब्राइट होगा कौन सा कम ब्राइट होगा? सो उसके लिए हमें रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करते हैं। सो जिसकी ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस वो उतना ज्यादा ब्राइटर, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो 25 वाट के लिए जो रेजिस्टेंस है R1, इट इज नथिंग बट ग्रेटर दैन टू रेजिस्टेंस R2, विच वन इज द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट। सो जिसकी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी वो ज्यादा ब्राइटर होगा और जिसकी कम रेजिस्टेंस होगी वो कम ब्राइट होगा। सो देयरफॉर वी कैन क्लियरली से दैट 25 वाट विल ग्लो मोर, एंड देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।